दोस्तों वीडियो में जो सामने आप देख पा रहे हैं कई रंगों के जो फूल खिले हैं, ये सदाबहार के फूल खिले हैं, हाइब्रिड सदाबहार के ये पौधे हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे किस तरीके से सदाबहार के पौधे से ज़्यादा फूल लें, किस तरीके से हमें इसकी केयर करना चाहिए और कौन सा हमें फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। तो दोस्तों सदाबहार को पेरीविंकल, बिनका और भी दूसरे कई नामों से इसको जाना जाता है। आज की वीडियो में दोस्तों हम पूरी डिटेल के साथ सदाबहार के बारे में बात करेंगे और आज हम जानेंगे किस तरीके से और आसान तरीके से हम इससे ज़्यादा फूल ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सदाबहार को किस तरीके से ग्रो किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, सदाबहार को सीड के द्वारा, कटिंग के द्वारा ग्रो किया जाता है। सीड के द्वारा किस तरीके से ग्रो किया जाता है, कुछ दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा पूरी अपडेट के साथ। तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, कटिंग को भी लगाना बहुत आसान है। कटिंग से अगर आप पौधा तैयार करते हैं तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है सीड के मुकाबले। लेकिन दोस्तों आपको 1 साल पुराना पौधा आपके पास होना चाहिए तभी आप उसकी कटिंग लगाएं। नए पौधे की कटिंग आप लगाते हैं तो लग तो जाती है लेकिन काफ़ी कम चांस होते हैं क्योंकि कटिंग गल जल्दी जाती है अगर आप नए पौधे की कटिंग को लगाते हैं तो। दोस्तों सदाबहार की कटिंग को लगाने के लिए जो आपको सॉइल मीडिया चाहिए होता है वो ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो और उसमें ज़्यादा टाइम तक पानी भी होल्ड ना रह सके लेकिन मॉइस्चर भी बना रहना चाहिए। जैसे कि कोकोपीट है तो कोकोपीट में अगर आप कटिंग को लगाते हैं तो बहुत जल्द कटिंग लग जाती है। इसके अलावा पीट मॉस में भी कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती है। तो ये दो सॉइल मीडिया ऐसे हैं जो कि बिनका की कटिंग को लगाने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अगर दोस्तों आपके पास कोई पुराना पौधा नहीं है और ना ही बिनका की सीड है तो दोस्तों आप इस पौधे को नर्सरी से लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं और अपने गार्डन को महका सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप जब भी नर्सरी से पौधा खरीद कर लाएँ तो यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना जरूरी है कि कैसी मिट्टी में उसको लगाना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ज़मीन में इस पौधे को लगाते हैं तो किसी भी तरीके की मिट्टी में आप इस पौधे को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको पॉट में लगाते हैं तो पॉट में आपको मिट्टी का ध्यान रखना होगा। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो वेल ड्रेन हो, जिसमें पानी ना रुकता हो, जो फालतू पानी है वो निकलता रहे, ऐसी मिट्टी आपको बना के इस पौधे को लगाना होगा। जैसे 30% आपको सैंड लेना होगा, 30% वर्मी कंपोस्ट और बाकी की आप अपने गार्डन की सॉइल लेके अच्छे से मिक्स करके मिट्टी को उस इस पौधे को लगा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप इस पौधे को लगाते हैं तो आपका पौधा ख़राब नहीं होगा जल्दी, क्योंकि दोस्तों जो मिट्टी हार्ड होती है अगर उस मिट्टी में आप गमले में इस पौधे को लगाते हैं तो आपके गमले में पानी ठहरेगा। पानी ठहरने की वजह से ये पौधा बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। एक बार को अगर आप पानी नहीं देते हैं तो ये पौधा जल्दी ख़राब नहीं होता है लेकिन ओवर वाटरिंग से ये पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए दोस्तों इस पौधे को ऐसी मिट्टी में लगाना होता है जो बेल्डन हो। वैसे तो दोस्तों ये पूरे साल चलने वाला पौधा होता है, पूरे साल भी फूल दे सकता है। लेकिन दोस्तों इस पौधे की 2 मौसम में खास तरह से केयर करना पड़ती है, जैसे सर्दी का मौसम और बरसात का मौसम। बरसात के मौसम में आपको करना ये होगा कि बारिश का जो पानी है इस पौधे की मिट्टी में ज़्यादा समय तक न रहने पाए। अगर मिट्टी में पानी ज़्यादातर रहेगा तो पौधे की रूट्स में फंगस की प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों जो सर्दी का मौसम होता है उसमें आपको पाले से इस पौधे को बचाना होगा। अगर आप पाले से इसको बचा लेते हैं तो आपका पौधा आसानी से पूरे साल चल सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस पौधे को कितना पानी चाहिए होता है, कितना पानी हमें देना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पौधे की मिट्टी अगर आप देख लें ऊपर की लेयर अगर सूख जाती है तो पानी दे सकते हैं, लेकिन अगर पौधे की मिट्टी में हल्की नमी है तो पानी बिल्कुल ना दें। अगर आप इसकी मिट्टी को बिल्कुल ड्राई होने के बाद भी पानी देते हैं तब भी ये पौधा ख़राब नहीं होता है। अगर दोस्तों हम बात करें बिनका के इस पौधे को कितना सनलाइट चाहिए होती है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिनका के इस पौधे को आपको पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा का है तो दोस्तों आप इसको डायरेक्ट धूप में ना रखें बल्कि ऐसी जगह रखें जहाँ पर सुबह की धूप आती हो या फिर शाम की धूप आती हो। दोस्तों अगर हम बात करें बिनका के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के सीक्रेट के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बिनका के पौधे पर फूल आते हैं, फूल आने के बाद में जब फूल सूख जाते हैं तो दोस्तों आपको उनको कट करना होगा। अगर आप उनको नहीं कट करते हैं तो दोस्तों फलियाँ बनने लगती हैं, मतलब सीड पॉड बनने लगता है। अगर दोस्तों पौधा सीड पॉड बनाने लगता है तो सारी ताकत बीज को बनाने में लगा देता है और फूल नहीं आते हैं। तो दोस्तों आपको सीड पॉड नहीं बनने देना है। अगर आप सीड पॉड नहीं बनने देते हैं तो आपके पौधे पर फूल आते रहेंगे। दोस्तों बिनका के पौधे से ज़्यादा फूल लेने का ये सीक्रेट पहला था। दूसरा सीक्रेट होता है फर्टिलाइजर। किसी भी पौधे से अगर आप ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो उसको आप अच्छा फर्टिलाइजर दें तभी दोस्तों आपको वो पौधा ज़्यादा फूल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इस पौधे को मैंने कौन सा फर्टिलाइजर दिया था जिससे कि मेरे पौधे की हेल्थ अच्छी है, इस पर फूल भी काफ़ी आ रहे हैं और काफ़ी सारे बर्ड्स भी हैं जो आने वाले समय में बहुत सारे फूल भी बनने वाले हैं। तो दोस्तों ये वो फर्टिलाइजर है जो कि मैंने बिनका के पौधों पर इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से मेरे पौधों की हेल्थ अच्छी है और उन पर फूल भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो फर्टिलाइजर मैंने रेडी किया था कुछ इस तरीके से किया था, मैंने इसके अंदर ब्लड मील, बोन मील,
सिंह की खाद और दोस्तों वर्मी कंपोस्ट, इन चारों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैंने जब अपने पौधों को दिया तो पौधों की ग्रोथ बहुत तेजी से हुई, उन पर फूल भी काफी सारे आ रहे हैं। काफी समय से फूल दे रहा मेरा पौधा, और आने वाले समय में दोस्तों जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे ही पौधों की हेल्थ अच्छी होती जाएगी, तो और भी ज्यादा फूल आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम किस तरीके से यूज करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पौधे की अगर हाइट या फिर आपका जो पौधा 12 इंच के पॉट में लगाए, तो आपको कम से कम 50 ग्राम ये आपको फर्टिलाइजर यूज करना होगा हर 15 दिन के बाद। अगर दोस्तों आपके पास ये सारे फर्टिलाइजर नहीं है, तो आप एनपीके 1919 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीके 1919 से भी आपके पौधे पर काफ़ी सारे फूल आ सकते हैं, पौधे की हेल्थ भी अच्छी रह सकती है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस तरीके से एनपीके 1919 का इस्तेमाल करना होगा। एनपीके 1919 का जो आपको इस्तेमाल करना है आपको अपने पौधों पर, तो 2 लीटर आपको पानी चाहिए होगा और 2 ग्राम आपको एनपीके 1919 इस पानी में मिलाना होगा। इस पानी में अच्छे से एनपीके 1919 को घोलने के बाद आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। और अगर हम बात करें छिड़काव करने की, किस तरीके से हमें एनपीके 1919 का छिड़काव करना है और कितना एनपीके लेना है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये 2 लीटर की बोतल है, तो आपको 1 ml मतलब 1 ग्राम आपको इस बोतल में ये एनपीके 1919 मिलाना होगा। तो चलिए एनपीके 1919 1 ग्राम हम ले लेते हैं और पानी में अच्छे से घोल लेते हैं। एनपीके 1919 का अगर आप अपने पौधे की पत्तियों पर छिड़काव करते हैं, तो इससे आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल ग्रीन रहेगी, पौधे की हेल्थ अच्छी रहेगी, फूल आने के चांस बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, जो हमने एनपीके 1919 पौधे की मिट्टी में डालने के लिए बताया है वो किस तरीके से यूज करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना आप डेली पानी देते हैं, जितना आपके पौधों को पानी की ज़रूरत है, इतना ही एनपीके 1919 आप अपने पौधे की मिट्टी में डालें। बिनका के पौधों को कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए, किस तरीके से केयर करना चाहिए, उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल में पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का बटन जरूर दबा दें। घंटी का बटन दबाने का फ़ायदा ये होता है, कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँचता है और आप वीडियो सबसे पहले देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, बाय।